सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इसराइल की एयरफोर्स का दावा है कि दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में करीब 1600 एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए खास रिपोर्ट। लेबनान के आसमान में कयामत। इसराइल का बहुत बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के खिलाफ तबाही का पैगाम। 1600 एयर स्ट्राइक से थर्राया लेबनान। आखिरकार इसराइल की सेना ने लेबनान में वो कर दिखाया जिसकी चेतावनी उसने चंद घंटों पहले जारी की थी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके इसराइल की वायुसेना ने एक साथ इतने हमले किए कि इन्हें लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इन हमलों की सारी तस्वीरें और कहानी दिखाएंगे। उससे पहले इसराइल के राष्ट्रपति बेन्यामिन नेतन्याहू का वो वार्निंग वीडियो देख लीजिए जिसमें वो लेबनान के लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पनाह लेने की अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसराइल की जंग किसी लेबनान के खिलाफ नहीं बल्कि उस आतंकी संगठन के खिलाफ है जिसने दशकों से इंसानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. नेतन्याहू का ये वार्निंग मैसेज इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि अब लेबनान के आसमान में कयामत बरपने वाली है। और आखिर इस बयान के चंद घंटों बाद दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में खतरों के अलार्म बज उठे। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को टारगेट करने के लिए इसराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इसराइल की सेना ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज चला रखा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुई ये भयंकर बमबारी इसी ऑपरेशन का हिस्सा है। इसराइल की खुफिया एजेंसी के डायरेक्शन में हुए इन हमलों में करीब 1600 एयर स्ट्राइक की गई। यानी ये हमला इतना बड़ा था कि इसराइल के दुश्मनों को न भागने का मौका मिला और न ही छिपने का। लेबनान के दक्षिणी इलाकों में हुई इस सीरियल बमबारी ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। राजधानी बेरूत की सड़कों पर लेबनान की सेना ने मोर्चा संभाल लिया क्योंकि लेबनान के दक्षिणी इलाके से भाग रहे नागरिकों और शरणार्थियों के बीच हिंसक झड़प और गोलीबारी शुरू हो गई। इसराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हेगारी के मुताबिक इन हमलों में हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, हैविटेड रॉकेट, शॉर्ट रेंज रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने इन हमलों में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को तबाह कर दिया जिन ठिकानों पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इसराइल पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बेका वैली और दक्षिणी लेबनान में हुआ यह हमला इतना बड़ा है कि मारे गए लोगों का ठीक ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन लेबनान की तरफ से मिली शुरुआती जानकारी में पता चला है कि इसराइल के इन हमलों में 492 लोग मारे गए हैं जिनमें 35 बच्चों की भी मौत हो गई है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव किस कदर बढ़ चुका है इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से एक और छोटी सैन्य टुकड़ी को मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के बीच इसराइल में भी 30 सितंबर तक इमरजेंसी लगा दी गई है क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से भी सैकड़ों रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने सारे हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया है।
लेकिन इसराइल के इस सीरियल अटैक ने दुनिया के सामने बहुत बड़े खतरे को ला दिया है, क्योंकि ये जंग अब सीधे सीधे उस मोर्चे पर आ चुकी है जहां से महायुद्ध की चिंगारी किसी भी वक्त फूट सकती है। लेबनान पर इसराइल के भीषण हमले के बाद ईरान इसराइल के युद्ध का भी खतरा बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लेबनान में हमले को बेशर्म अपराध बताया। खामनेई ने इसराइल से हमले का बदला लेने की धमकी भी दी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने बड़े झटके के बाद क्या फैसला किया है इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इजराइल के दुश्मन टहल रहे हैं। गाजा में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में, जहां दुश्मन सिर उठाते हैं, इजराइल बारूद बरसाता है। मिसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है। पारंपरिक हथियारों की मार से बच जाने वाले दुश्मनों को इजराइल हाईटेक तरीके से सबक सिखा रहा है। इजराइल के हमले का जब तक दुश्मन अंदाजा लगाता है, तब तक वो हमले की दूसरी किश्त चुकाने लगता है। पहले चलिए लेबनान और देखिए बेरूत की बर्बादी, जानिए हिजबुल्लाह की तबाही। जलता बेरूत, खंडहर बस्तियां, बारूद से सनी बहुमंजिला इमारतें, खंडहर में सर्च ऑपरेशन, मुर्दा उगलती इमारतें, बारूदी बियाबान बन गया है बेरूत। बारूद से सने खंडहर में मुर्दे तलाशे जा रहे हैं। हर एक मुर्दों की शिनाख्त के साथ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का गुस्सा भड़कता जा रहा है। इसराइल ने बीते तीन दिन में ऐसा बारूदी तांडव मचाया है जिसने हिजबुल्लाह की चूलें हिला दी है। इसराइल के हमले में अब तक नसरल्लाह लड़ाकों की 31 कब्रें तैयार हो चुकी हैं। मारे गए लड़ाकों में 58 करोड़ का इनामी कुख्यात इब्राहिम अकील तो है ही, लेकिन उससे भी खूंखार कमांडर का सफाया इसराइल ने कर डाला है। इसराइल की एयर स्ट्राइक में 14 सीनियर टॉप कमांडर बेमौत मारे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है अहमद वहाबी। हिजबुल्लाह के जिन कमांडरों की मौत पर मुहर लगा दी गई है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। मोहम्मद अहमद रेडा, मोहम्मद कासिम अलत्तर, अहमद समीर दीप, अब्दुल्ला अब्बास हिजाजी, अरिफ अहमद अलराज, हसन अली हुसैन, अब्बास सामी मुस्लिमानी, हुसैन अहमद हदरोज, हसन यूसुफ अब्दुल सत्तेर, मेहदी मुस्लिम जमाल और जिहाद शफी खजल खान फर को इजराइल ने। बुलेटिन